नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका लैपटॉप का स्क्रीन ख़राब हो जाए। देखिए, मेरा जो ये लैपटॉप का स्क्रीन है ये वाइट हो गया है। मत इसको मैं दिखाया जो रिपेयरिंग सेंटर में, तो बोला 4 से 5 हज़ार रुपये का कॉस्ट आएगा। तो मैंने देखा कि लैपटॉप का दाम ही 7-8 हज़ार रुपये है, तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने घर में ट्राई किया कि इसको कैसे चलाया जाए। देखिए, मेरा अभी जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो डेस्कटॉप का स्क्रीन से कनेक्ट हो गया है और चल रहा है। तो अभी ये कैसे कर सकते हैं अगर स्क्रीन ख़राब हो जाए, और अगर आपका दूसरा मतलब दोनों डिस्प्ले का ज़रूरत है तब भी ये आप कर सकते हैं। कि और लैपटॉप का स्क्रीन ऑन भी रहेगा तो भी वो स्क्रीन चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको काम करके दिखाते हैं कैसे काम हो रहा है। मैं कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए, हम लैपटॉप में काम करेंगे लेकिन डेस्कटॉप में आएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी हम ओपन करेंगे यहाँ से ओपन होगा। तो देखिए, कुछ भी हम काम करेंगे तो यहाँ से हो रहा है। तो आप भी ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ मैंने देखिए एक केबल का यूज़ किया है जो यूज़ होता है जनरली वीडियो केबल के लिए। वीडियो केबल से कनेक्ट किया है, तो कैसे कनेक्ट किया वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के टेक्निकल वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो भी हेल्पफुल टेक्निकल वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसको कहाँ से कनेक्ट किया है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये लैपटॉप जो है यहाँ पर देखिए वीडियो पोर्ट रहता है। देखिए, अब जब इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से वीडियो बंद हो जाएगा। इसमें दोनों स्क्रू रहता है, इसको ओपन करना पड़ता है। तो देख, वीडियो बंद हो गया। तो यहाँ से देखिए ये वाला पिन रहता है, यहाँ से यहाँ पे जो पिन हो रहता है ये पिन से मैंने कनेक्ट किया। तो मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, वीडियो आ गई है वहाँ पर। और मॉनिटर पे कहाँ पर कनेक्ट करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसको वीडियो केबल कहते हैं। मॉनिटर में देखिए यहाँ पर जो नीचे का पोर्ट रहता है यहाँ पर कनेक्ट करना है आपको, वीडियो जो पोर्ट रहता है। और ये तो पावर केबल है, पावर का पोर्ट, ये वीडियो पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है। और अगर आपका लैपटॉप में वीडियो पोर्ट मतलब जो पोर्ट वो वाला पोर्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट रहता है लैपटॉप में, ये वाला जो यूएसबी पोर्ट रहता है यहाँ से भी आप कर सकते हैं कनेक्ट। इसके लिए दूसरा आपको केबल मिलता है, वो आपको कोई भी कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगा। आप बताएंगे जे कि हमें यूएसबी से वीडियो चलाना है, यूएसबी टू मॉनिटर, तो वो वाला केबल भी आपको मिल जाएगा। उस केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके चला सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको अगर आपका बजट कम है, आप लैपटॉप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको खराब जो लैपटॉप है डिस्प्ले खराब हो गया है उसको आप मॉनिटर का दाम 3,000 से 3,500 रुपये उससे कम में आपको मिल जाएगा। सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो आप 1-1.5 हज़ार में मिल जाएगा। तो उसको खरीद के आप घर में यूज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो और ये मतलब जो लैपटॉप है उससे ये वाला मॉनिटर बहुत मतलब ज़्यादा दिन चलता है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, ये 100% गारंटी है मेरा, ये काम करेगा। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।